हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। अभी हम आए हुए हैं बुरदुबई के मीना बाजार। आज हम लोग बुरदुबई का मीना बाजार को देखेंगे। तो चलिए, अभी ये हमारे पीछे है अल गुबेबा बस स्टैंड, जो कि बुरदुबई का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और उस तरफ है अल गुबेबा मेट्रो स्टेशन। आप अल गुबेबा मेट्रो या बस के थ्रू कहीं से भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग मीना बाजार की तरफ चलते हैं। मीना बाजार जाते हुए रास्ते में जो दुकान वगैरह आएगा सबको तो आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दुबई में हैं, आपको तो लगेगा आप इंडिया के किसी पार्ट में हैं। यहाँ सब आपको मतलब अपना देसी मिलेगा, या तो इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, मतलब सब आपको देसी बंदे मिलेंगे। आपको अरबी बहुत ही कम नज़र आएंगे। ये पूरा बुरदुबई का जो इलाका है, ये मेनली देसी आदमी को ही सब रहते हैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं दुकान वगैरह। मीना बाजार आप मतलब दरिया के किनारे क्रिक साइड से भी एंटर कर सकते हैं, इसे क्रिक बोला जाता है। इस तरफ है, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये बुरदुबई, और उस तरफ है देरा दुबई। हम लोग देरा भी चलेंगे कल में। तो अभी हम लोग फिलहाल बुरदुबई में हैं। यहाँ का मीना बाजार देखते हैं, कल हम लोग जरा भी देखेंगे। अभी यहाँ देखिए साइड में कैफेटेरिया वगैरह सब बना हुआ है, जो भी एंजॉय करते हुए। ये सामने जो बोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये है मतलब देरा से बुरदुबई तक आने के लिए। अब आप बुरदुबई से देरा जाने के लिए अभी भी सिर्फ 1 ग्राम चार्ज करते हैं। 1 ग्राम में आप इधर से उधर जा सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम। यार ये नॉन स्टॉप चलते रहते, बहुत सारा है। तो कल जब हम जाएंगे तो इसी के थ्रू जाएंगे। ये ग्रैंड शॉप बुरदुबई, जिसे मीना बाजार बोला जाता है। देखिए यहाँ गिफ्ट वगैरह, यहाँ आपका पुराना दुबई का झलक मिलेगा। यहाँ यहाँ पे अगर आप कुछ लेना हो, बार्गेनिंग वगैरह बहुत होते हैं। और नॉर्मली नॉर्मल मार्केट से यहाँ प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्या एक्चुअली टूरिस्ट पॉइंट है ना। जो भी टूरिस्ट दुबई आता है तो ज़रूर पूरे दुबई का ये मीना बाजार तो ज़रूर ही आता है। यहाँ अगर कुछ खरीदना हो तो बार्गेनिंग जरूर माइंड में रखना है। बहुत ही बढ़िया मजा शॉप, क्योंकि बुरखा बोला जाता है इसे। ये मोमेंटो वगैरह है दुबई का, यादगार के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ही पुराना बाजार है ये। ये होगा मीना बाजार का ओल्ड पार्ट। अभी हम लोग नया पार्ट जो है वहाँ भी चलेंगे। ये तो एकदम बहुत ही पुराना, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, पुराने पुराने बिल्डिंग, बहुत ही पुराना है। यहाँ पे फैब्रिक्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जबकि लगभग सब चाइनीज ही फैब्रिक है, सब रिसेलर वगैरह है। अभी हम आए हैं मीना बाजार के न्यू पार्ट जो नया है। ये भी पूरा आपको लगेगा कि पूरा इंडिया ही है, आपको तो सब देसी नज़र आएंगे। और दुकान भी लगभग सब देसी दुकान है, वहाँ का जो बड़ा बड़ा ज्वेलर्स है इंडिया का, सब भी यहाँ नज़र आएंगे आपको। देखिए
सामने यहाँ पर लाइन से सब ज्वेलरी का शॉप है, जो कि हम लोग इंडिया का सब जितना ज्वेलरी का लेजेंड है अब यहाँ पर है, जया लुकास, कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार, सब एक लाइन से जान। शॉपिंग के पर्पज से अच्छा जगह है। अभी दुबई का तो मेन पॉपुलेशन है तो अपना इंडियन ही है, तो वही लोग के लिए है, टूरिस्ट भी तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बिक्री टूरिस्ट डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे अभी दुबई में इतना इंडियन आबादी हो गया है कि एक मिनी इंडिया ही आप बोल सकते, लगभग दुबई का पॉपुलेशन का डबल पॉपुलेशन अपना इंडियंस का है। यहाँ आप फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सब तो ही है। ये मीना बाजार एरिया का, यहाँ पे सब मोबाइल शॉप वगैरह है। अभी इंस्टाग्राम में वो छाए हुए हैं दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के नाम से। अभी जमजम इलेक्ट्रॉनिक तो उसका भी दुकान यहीं पर है, पैसा दुकान तो यहाँ बहुत सारे हैं जो कि सेकेंड हैंड न्यू मोबाइल में डील करते हैं। आपको अगर मोबाइल वगैरह लेना है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीना बाजार का ये एरिया बहुत ही फेमस है, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बहुत ही फेमस दुकान है अकरम भाई का, अकरम भाई। दोस्तों अपना पूर्व दुबई का जो वॉकिंग टूर था वो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो तो कैसा लगा है वो आप ही बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो बताइए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और
प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्व दुबई तो बहुत बड़ा एरिया है, मैं कोशिश किया कि जितना कवर कर सकूँ कवर किया हूँ, तो इससे आप लोगों को आशा करता हूँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। और जो अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जमजम वाला और अकरम भाई दोनों का भी दुकान आपको दिखाया, मैं दुकान में घुसा नहीं एक्चुअली, क्या वो मुझे प्रमोशन वगैरह वो लोग का तो नहीं करना है, मैं जस्ट आप लोग का आइडिया के लिए दिखाया। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।